व्हाट इफ एक वेल आपको स्वेलो कर ले। आई एम श्योर वेल के ज्यादा साइज की वजह से आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो आया होगा कि क्या आप वेल के पीछे के दरवाजे से सही सलामत वापस आ पाओगे। अगर आपको मिस्ट्री सीड्स वेल्स जैसे कि इस हम्पबैक वेल ने निकलना चाहा, तो आप इसके इस 15 इंच डायमीटर वाले इसोफेगस में जा ही नहीं पाएंगे और ये आपको अपने मुंह से बाहर फेंक देगी। इस वेल के मुंह से अभी तक कई डाइवर्स वापस जिंदा लौटे हैं, लेकिन टूथ वेल्स जैसे कि स्पर्म वेल द्वारा निकले जाने पर ही आपको अपने पैने दांतों से चबा जाएगी। आपको बता दूं कि इसके इसोफेगस का साइज बड़ा होने से अगर लकीली इसने आपको बिना चबाए निगल लिया तो यहां से आपके मौत का सफर शुरू हो जाएगा। आप इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इसके फर्स्ट स्टमक कंपार्टमेंट में गिरते हैं। यहाँ पर स्टमक मसल्स स्क्वीज होकर आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर मेन स्टमक में भेज देती है। यहाँ पर मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बॉडी पार्ट्स को डिसॉल्व कर देंगे। अब आपकी डिसॉल्व हो चुकी बॉडी अगले 2 स्टमक्स में डाइजेस्ट होकर अगले 10 से 15 घंटों में वेस्ट के रूप में वेल से बाहर आ जाएगी। हालांकि कुछ लोग टूथ वेल स्टमक से जिंदा वापस लौटने का दावा करते हैं, लेकिन टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।